वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास, अपना जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है बिजनेस सर्विसेज, उसके अंदर अपन ने बिजनेस सर्विसेज के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था बैंकिंग सर्विसेज, उसको डिस्कस किया था। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं कि अपन ने बिजनेस सर्विसेज के अंदर जो पांच तरीके की सर्विसेज पढ़ी थी कौन कौन सी, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, पोस्टल, एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सर्विसेज की अपन ने बात करी थी, इसमें से अपन ने बैंकिंग सर्विसेज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली ऑनलाइन क्लासों में। बैंकिंग सर्विसेज के अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी, फिर अपन ने ई बैंकिंग की बात करी, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ ई बैंकिंग की बात करी कि भाई पेमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है। यानी कि बैंकिंग सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद में आज अपन बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज की, इंश्योरेंस सेक्टर की। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई इंश्योरेंस होता क्या है, मीनिंग की क्या बात करें तो अपन ये कहते हैं कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। उसके अंदर उस एग्रीमेंट में क्या होता है, इंश्योरर एग्री करता है उस चीज को कि अगर किसी गुड्स का सर्विसेज का लॉस हो जाता है ड्यू टू इन हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के हैपन होने पर, किसी ऐसी घटना के घटने पर कि जिसकी वजह से जिसका कि उसने इंश्योरेंस करवा रखा था, एग्रीमेंट ले रखा था, उस एग्रीमेंट में वो चीज रिटर्न में होनी जरूरत है कि वो चीज होने पर जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करता है उसके लॉस को, ठीक है। एंड इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ए रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। और जब इंश्योरर इंश्योर्ड को उसके लॉस को कंपनसेट करता है उसके बदले में, इंश्योर्ड जो होता है वो इंश्योरर को रेगुलर टाइम कंसिडरेशन से रेगुलर टाइम पीरियड पर कुछ अमाउंट का पे करता है, कुछ अमाउंट पे कर जाती है, उस अमाउंट को अपन कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम। देखिए, अपनी जो चीज हुई थी, अपन ने ये कहा था कि एग्रीमेंट बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड हो जाती है इंश्योरेंस, और उसके अंदर इंश्योर्ड जो होता है वो इंश्योरर जो होता है वो एग्री करता है इंश्योर्ड को कि उसके अगर किसी इवेंट के हैपन होने पर वो उसके लॉस को कंपनसेट करेगा, और बदले में इंश्योर्ड इंश्योरर को रेगुलर टाइम पीरियड पर कुछ अमाउंट का पे करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। And this agreement or contract is in writing is known as insurance policy. जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में रिटर्न में होता है, इसी को अपन कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी। एक बार फटाफट दोबारा से देखते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या बताया। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर इज एन इंडिविजुअल नोन एज इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। वो कंपनसेट टू इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड को कंपनसेट करती है, उसके लॉस को कंपनसेट करती है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरर। और इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल वो गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरर इन केस ऑफ लॉस ऑफ इवेंट हैपनिंग या हैपनिंग एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने पर जो लॉस होता है उस लॉस को जो कंपनसेट करता है वो कहलाता है इंश्योरर, और जो कंपनसेशन रिसीव्ड करता है वो कहलाता है इंश्योरर। यानी कि देयर आर द टू पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड। उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड इंश्योरर को एक रेगुलर टाइम पीरियड पर कुछ अमाउंट का पेमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटर्न में इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। उसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब जो इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, उसमें कुछ टर्म्स यूज करी जाती है जिनके की मीनिंग अपने को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला आ जाता है इंश्योरर। अभी मैंने जैसे आपको समझाया, इंश्योरर इंश्योरर एन इंडिविजुअल नॉन एज इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनसेट टू द इंश्योर्ड फॉर द लॉस इन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने पर इंश्योरर वो पर्सन होता है जो इंश्योर्ड को उसके लॉस को कंपनसेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस कंपनी का भी कहा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को ही इंश्योरर कहा जाता है।
सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो इंश्योरर वो पर्सन होता है जो किसी इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट में एग्री इन्वॉल्व होता है और वो ये कहता है कि अगर किसी सेकंड पर्सन को कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट मैं करूंगा और उसके बदले में वो उससे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरर हो गया, इंश्योर्ड। जब इंश्योरर वो पर्सन है जो इन लॉस को कंपनसेट करता है तो इंश्योर्ड वो पर्सन है वो उस लॉस को सेट ऑफ करने का या कंपनसेशन लेने का राइट रखता है। और वो जब कंपनसेशन लेता है, लॉस को सेट ऑफ करवाता है अपने लॉस को, तो उसके बदले में कुछ अमाउंट इंश्योरर को पे करता है, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इंश्योरर इंश्योर्ड को लॉस का कंपनसेशन तब करेगा जब कोई इवेंट हैपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ये कहते हैं कि इंश्योर्ड ने अपनी कोई किसी गुड्स में यानी कि गोडाउन में कोई मटेरियल अपना गुड्स रखा है, उस गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है और फायर इंश्योरेंस करवाया है। इन दैट केस अगर फायर होती है तो ही इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, और अगर एनी अदर रीजंस, ड्यू टू एनी अदर रीजंस कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट इंश्योरर नहीं करेगा। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात दोबारा समझ लें, हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब ये हो जाता है कि इंश्योरर इंश्योर्ड को पेमेंट या कंपनसेट तब करेगा जब वो इवेंट हैपन हो जाता है। इट मीन्स अगर इंश्योर्ड ने फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से और अपने गोडाउन में जो मटेरियल गुड्स उसका रखा हुआ है उसका लॉस ड्यू टू फायर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट कर देगी। लेकिन अगर उसका लॉस ड्यू टू एनी अदर रीजंस, किसी भी और रीजन से अगर उसको गुड्स का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसने जो इंश्योरेंस ले रखी थी कौन सी थी? फायर इंश्योरेंस। और वो जो इवेंट हैपन होना चाहिए था यानी कि आग लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी, तो जब आग नहीं लगने की वजह से लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी। क्लियर है? प्रीमियम, प्रीमियम अभी बताया था, इंश्योर्ड ए रेगुलर टाइम पीरियड विच इज क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, मे बी कुछ भी हो सकती है कि यानी कि इंश्योर्ड एक रेगुलर टाइम पीरियड पर इंश्योरेंस को, इंश्योरर को कुछ अमाउंट का पेमेंट करते हैं। अब वो अमाउंट पेमेंट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और एनुअल भी हो सकती है। टाइम पीरियड पर, रेगुलर टाइम पीरियड पर जो अमाउंट का पेमेंट करता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्लियर है? तो ये जो था अपना वो आज इंट्रोडक्शन अपन ने किया इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस के टर्म्स को अपन ने एक्सप्लेन किया था। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज की या प्रिंसिपल्स की, इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स होंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको इसको सारे को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है। एक बार फटाफट अपन रिकॉल करते हैं इसको दोबारा से कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड और कंसिडरेशन ऑफ ए रेगुलर पेमेंट दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है वो हो जाती है इंश्योरर इंश्योर्ड, हैपनिंग ऑफ इवेंट और प्रीमियम। ठीक है, इसको अपन ने फटाफट रिकॉल भी किया है, आपको इसको वापस रिपीट करना है, रिवाइज करना है, इसको पढ़ना है। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। थैंक यू।